मेरा नाम सिसिलिया है और मैं पास्टर क्रिस की लव वर्ल्ड मीडिया टीम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आओ हम अहद करें कि हम इस क्रिसमस पर सबको माफ़ करें। थैंक यू। मेरा नाम नासर गनी है और मैं एक जनरल काउंसलर हूँ। क्रिसमस के हवाले से मेरा पैगाम ये है, मेरे नज़दीक क्रिसमस की वजूहात दो हैं हमारे मनाने की। एक ये, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावन को किसी ने नहीं देखा, तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, खुदावन को यीशु मसीह का इस दुनिया में भेजना अपनी आप को ज़ाहिर करना था, लोगों पर अपनी अलूहियत को ज़ाहिर करना था। और दूसरे नंबर पर वो हमारे गुनाहों को उठा कर ले गया, उसने अपने कंधों पर अपने हमारे गुनाहों को रखा और हमारी निजात का सबब बना। ये दो मेन वजूहात हैं जिनकी बना पर हम क्रिसमस मनाते हैं। मेरी तरफ से और मेरी कम्युनिटी की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। क्रिसमस मोहब्बत, अमन, सुलह और सलामती का पैगाम है। आइए नफ़रतों कुदूरतों को ख़त्म करें, मोहब्बत और सुलह सलामती के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। क्रिसमस पे हम ढेरों तैयारियां करते हैं, बहुत सजते हैं, बहुत सजाते हैं अपने घरों को, अपने कमरों को, अपनी दुनिया को, अपने बच्चों को। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जो मैं सोचती हूँ कि हम अपने घर के अलावा अपने दिल के कमरों को कितना सजाते हैं जिसमें यीशु आके रह सके और हमारी उन खुशियों को दुबाला कर सके। मेरी तरफ से आप सबके लिए सबसे अच्छा पैगाम यही है कि ना सिर्फ अपने आप को सजाएं, अपने दिलों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार करें और खूबसूरत सजाएं ताकि वो आपकी दिल की चरनी में आकर और ज़्यादा खुश हो और आपकी खुशियों को बढ़ाए। मेरी तरफ से आपको क्रिसमस बहुत मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। यीशु मसीह का इस दुनिया में हमारी निजात के लिए आना ही क्रिसमस है। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी 2020। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, जो एक चरनी में पैदा हुआ और एक अस्तबल में पैदा हुआ। और आजकल की दुनिया में हम देखें, हर बंदा ये कोशिश करता है कि उसे बड़ा महल मिले, बड़ी गाड़ियां मिले, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये मिसाल दी है कि वो बादशाहों का बादशाह हो के एक चरनी में, जानवरों के अस्तबल में पैदा हुआ। और हमें चाहिए कि हम भी अपने आप को आजिज़ बनाएँ और अपनी ज़िंदगी को सादा तरीके से गुजारें। इस क्रिसमस पे मेरा मैसेज यही है कि हम जो आजकल की भागती हुई दौड़ती हुई दुनिया में बस भागे जा रहे हैं, ज़रा थम जाएं और ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलना है। मेरी तरफ से आपको क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। मेरा नाम जिशान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से हैप्पी क्रिसमस। मेरा नाम मुनीर मसीह है और इस क्रिसमस पर मेरा आप सबको पैगाम है कि आप सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत जिगानगत के साथ रहें ताकि ये दुनिया जो है अमन का गहवारा बन सके। चूँकि हमारे खुदा यीशु मसीह जो दुनिया में 2019 साल पहले आए थे, उन्होंने भी इस दुनिया में आकर मोहब्बत का पैगाम ही दिया था। वो चाहते थे कि दुनिया एक दूसरे से मोहब्बत रखे और ऐसी मोहब्बत रखे जैसी खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया से रखी थी। आप सबको क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अमन और सलामती के शहजादे की विलादत के मौका पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। We wish you a Merry Christmas.